when we continuously listen god's word जब हम निरंतर या हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं the spirit of god reveal deep deep things hidden in the word of god तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में गहराई में छिपी हुई बातों को प्रकट करता है वो रहस्य को हम पर प्रकट करते चले जाता है वचनों से हमें बताता है so that ताकि We may able to know the truth, ताकि आप सत्य को जान सके हम इस सत्य पर खड़े रह कि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहने में अपने जीवन में बहुत ही साहस के साथ में खड़े रहें, डटे रहें बिकॉज क्योंकि द बाइबल टेल्स लाइक दिस बाइबल हमें इस तरह से बताती है फर्स्ट पीटर चैप्टर फाइव पहला पत्रस अध्याय पांच वचन आठ वचन नौ में भी इट लाइक like ये सर कहता है आइए से पढ़ते हैं बी सोबर बी विजिलेंट बिकॉज योर एडवर्सरी द डेवल वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लाइन सीकिंग हुम हेम मे डिवॉर रेजिस्ट हिम स्टेट फास्ट इन द फेथ knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. देखिए यहाँ पर वचन कहता है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं ये कहता है प्रिय लोगो वेरी सिंपल इट इज रिटर्न लाइक दिस बहुत ही सरल शब्दों में ये इस तरह से लिखा है बी सोबर की सचेत हो जाओ बी विजिलेंट और जागरूक हो जाओ ये कहता Because है खास क्योंकि the adversary, तुम्हारा जो विरोधी है डबल जो शैतान है वर्ल्ड वो तो इस पूरे संसार में यहाँ वहाँ घूम रहा है लाइकिंग like लाइन वो तो गरजने वाले सिंह के जैसे घूम रहा है टू होम ही और ये ढूंढता है कि वो किस को फाड़ खाए सी दर्ल्ड इस वचन को देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं बी विचल कि जागते रहो बी सोबा और सचेत हो जाओ विकास क्योंकि दी अड तुम्हारा विरोधी द एनिमी जो शत्रु है द द जो शैतान है दबल यानी वो शैतान दुष्ट द मर्डर जो हत्यारा है द लायर जो झूठा है द फादर ऑफ लाइज जो झूठ का पिता है इज मूविंग अराउंड वो तो यहाँ वहाँ घूम रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में टू डिसीव द पीपल कि लोगों को वो भरमाए टू डिवर दीपल कि वो लोगों को फाड़ खाए लाइक अग लाइन गरजने वाले सिंह के जैसे दर्स हाउ इज मूविंग ऑन इस तरह से वो घूम फिर रहा है परमेश्वर ने कहा फोर और इसीलिए स्टैंड डटकर तुम डट कर विश्वास में स्थिर खड़े रहो और विश्वास से तुम उसका सामना करो। रस्सी स्टिंग। उसका सामना करो। Stand fast on faith। विश्वास में दृढ़ होकर तुम उसका सामना करो। What does it mean by that? इसका मतलब क्या है? Stand on the faith। यानी विश्वास में खड़े होना है। What does it mean by faith? विश्वास का मतलब क्या है? The faith. comes by hearing hearing the word of god विश्वास तो सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है मसीह के वचन से this word of god says to us परमेश्वर का ये वचन हमसे कहता है as god is so you are here in this world जैसे परमेश्वर है वैसे ही आप भी इस संसार में हैं stand first on this word इस वचन पर डटकर खड़े रहें as god

हमें मोल ले लिया है परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है इस परमेश्वर ने बड़ा मोल देकर हमें खरीद लिया है हमें मोल ले लिया है If God has purchased me, अगर परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है I belongs to God. तो मैं परमेश्वर का हूँ आई बिलोंग टू गॉड मैं परमेश्वर का हूँ आई एम नॉट बिलोंग टू दर्ल्ड अब मैं संसार का नहीं हूँ आई एम नॉट बिलोंग्स टू अब मैं शैतान का नहीं हूँ आई एम नॉट बिलोंग्स वर्ल्ड मैं संसार के किसी भी लोग या मनुष्य का नहीं हूँ आई एम द property ऑफ गॉड मैं तो परमेश्वर की संपत्ति आई एम God's प्रॉपर्टी मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ Beloved ब्रदर एंड सिस्टर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों Stand फर्स्ट आप मजबूती से खड़े विश्वास में व्हाट इज द फेथ विश्वास क्या है आई बिलोंग्स टू गॉड गॉड मैं परमेश्वर का हूं। God has purchased me. परमेश्वर का हैज परचेस्ड मी ने मुझे मोल लिया है आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ मैन अब मैं मनुष्य का गुलाम नहीं हूँ आई एम नॉट द स्लेव ऑफ वर्ल्ड मैं संसार का गुलाम नहीं हूँ आई एम नॉट द स्लेव ऑफ द डेविल मैं शैतान का भी गुलाम नहीं हूँ बी फो आप बिल्कुल मजबूत हो Be जाएं। स्टैंड ऑन अभी आप इस पर मजबूती से खड़े रहें। रहेंगे और इसे कहते चले जाएं। जाएंग्स टू मी तो, तो हूँ I am the property of God. मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ Beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों with a high price हाई paid and purchased us. बड़ा दाम देकर परमेश्वर ने हमें मोल लिया है are getting it क्या आप समझ रहे हैं what is the price card paid is परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा दाम चुकाया है what price card paid for us परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा दाम चुकाया he है he paid jesus christ himself उसने स्वयं यीशु मसीह को दे दिया he gave jesus christ उसने यीशु मसीह को दे दिया you heard the earlier episode who is jesus christ आपने पिछले एपिसोड में सुना कि यीशु मसीह कौन है इसे आपने जाना है Is God himself. वो तो स्वयं परमेश्वर है खुद को दे दिया and he purchased you. और उसने आपको खरीद लिया मोल लिया Then how much is your value? तो फिर आपका मूल्य कितना है बाइबल tells लाइक like दिस बाइबल इस तरह से कहती है First Timothy, chapter 2, पहला अध्याय वचन

जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए बिलीव ऑन दिस इस पर विश्वास कीजिए नो इट इसे जान लीजिए समझ लीजिए और इज वन गॉड केवल एक ही परमेश्वर है वन मीडिएटर बिटवीन गॉड And man. परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवई है उसने खुद को दे दिया उसने खुद को समर्पित किया He gave himself। उसने खुद को दे दिया a ransom हमारे छुटकारे के लिए For all people। सभी मनुष्यों के लिए उसने दे दिया Are you आपके लिए फॉर यू आपके लिए और मेरे और मेरे लिए फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड संसार के सभी मनुष्यों को छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया जीसस गिव हिमसेल्फ यीशु ने खुद को दे दिया एंड ही परचेस्ड यू और उसने आपको खरीद लिया है इफ एनीवन कम एंड टच यू कोई भी आकर अगर आपको छूता है हाउ डेयर दे विल टच यू तो वो आपको छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं Will you allow them to touch you? क्या आप उन्हें खुद को छूने देंगे यू स्टैंड ऑन द फेथ आप विश्वास में खड़े रहिए विश्वास में स्थिर रहिए I have been purchased by God? कहिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है I belongs to God। मैं परमेश्वर का हूँ यू डबल हे hey, शैतान आउट फ्रॉम दिस प्लेस इस जगह से निकल जाए इस तरह ऐसी कहिए यू हैव नथिंग टू डू इन मी तेरा मुझ में कोई भी भाग नहीं है नथिंग टू डू इन मी मेरे अंदर तेरा कोई भाग नहीं है जीसस आल्सो स्पोक द द सेम यीशु ने भी इसी तरह से कहा है डेविल वाज कमिंग शैतान आ रहा था जीसस सेड यीशु ने कहा ही इज कमिंग वो आ रहा है आई हैव नथिंग टू डू विद हिम लेकिन उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है दैट इज द ट्रुथ मेरे प्रियो यही तो सच्चाई है स्टैंड

Own special people that you may proclaim the praises of Him who called you. You may proclaim the praises of Him who called you. Out of darkness into His marvelous light. Out of darkness into marvelous light. देखिए ये वचन कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इस तरह यह वचन कहता है प्रिय यू कैन स्टैंड फॉर्म आप मजबूती से खड़े रह सकते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं यू आर एचन जनरेशन कि आप तो चुना हुआ वंश हैं। दैट मीन्स इसका मतलब आई कैन से मैं कह सकता हूँ आई एम चोसन जनरेशन मैं चुना हुआ वंश आई एम चोसन बाई गॉड परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है नॉट बाई मैन मैं मनुष्यों के द्वारा चुना not गया by, नहीं हूँ नॉट बाई वर्ल्ड और ना ही संसार के द्वारा आई एम चोसन बाई गॉड मुझे स्वयं परमेश्वर ने चुन लिया a है चोसन जनरेशन मैं तो चुना हुआ वंश हूँ आई एम जनरेशन कहिए मैं चुना हुआ वंश हूँ इस तरह से आप जोर से कहिए आई एम चोसन जनरेशन मैं तो चुना हुआ वंश हूँ आई एम चोसन बाई गॉड मुझे स्वयं परमेश्वर ने चुन लिया है नॉट ओनली मी केवल मुझे ही नहीं माई जनरेशन मेरी पीढ़ी को That's God यही तो परमेश्वर कहते हैं चोस जनरेशन चुना हुआ वंश है My समझ लीजिए गॉड से कहा है आई एम छोसन जनरेशन की मैं तो चुना हुआ वंश हूँ गॉड से यू और जनरेशन परमेश्वर कहते हैं की आप चुने हुए वंश है यू कैन से आई एम छोसन जनरेशन आप कह सकते हैं की मैं चुना हुआ वंश चु... हूँ आई एम बाय गॉड मुझे परमेश्वर ने चुना है वी मस्ट नो दैट हमें ये जानना होगा आई एम अ रॉयल अलस्टूर्ट मैं तो राजपदधारी याजक हूँ रॉयल अलस्ट्यूट आप तो राजपदधारी याजक है गॉड like परमेश्वर इस तरह से कहते कहूर रॉयल प्रिस्ट आप तो राजपदधारी याजकों का समाज है रॉयल प्रिस्ट्यूट राजपदधारी याजक यू कैन से आप कह सकते हैं कि मैं तो राजपदधारी याजक। the meaning of it? इसका राजू आर रॉयल आप राजघराने से यू आर आप, आप हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। Anybody cannot go and stand before God. कोई भी जाकर परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता है यू है आप जा सकते हैं right, आपके पास, है. आप पास अधिकार है आपके पास वॉक बिफोर कि आप उसके सामने चलें। Go and stand before him. कि उसके सामने जाकर खड़े हो. अ रॉयल प्रिस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि मैं तो राजपदधारी याजकों का समाज हूँ रॉयल प्रीस्ट मैं तो राजपदधारी याजक हूँ. स्टैंड बिफोर गॉड कि परमेश्वर के सामने खड़े रहूँ For the sake of other people. दूसरे लोगों के लिए. For the sake of people. दूसरे लोगों के लिए ही. I can boldly, I can go and stand before him. मैं बड़े साहस से परमेश्वर के सामने जाकर खड़े रह सकता हूँ. Do you know this? कि आप ये जानते हैं? Oh, which devil will come? तो फिर कौन सा शैतान आएगा? Royal, a holy nation. आप तो पवित्र प्रजा हैं. You are a holy nation. आप तो पवित्र प्रजा हैं. क्या आप ये जानते हैं आप पवित्र हैं यू कैन से आई एम होली आप कह सकते हैं कि मैं पवित्र हूँ मेनी पीपल बहुत से लोग इस वो इस तरह कहते हैं कि आपको पवित्र बनना होगा आपको पवित्र होना होगा लेकिन परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर पवित्र है यू हैव टू बी होली इसलिए तुम्हें पवित्र बनना होगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों If you are hearing first time, अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं and you should know, तो आपको इसे जानना होगा कि बाइबल क्या लोगों डोंट फॉरगेट इट इस बात को मत भूलिए कॉलोशन ट्वेंटी एक बीस और इक्कीस में इस तरह से कहा गया है एंड बाय हिम बाई हिम टू रिकनसाइल ऑल थिंग्स टू हिमसेल्फ reconcile all things to himself by him by him whether things on the earth things on the earth or things in heaven things in heaven having made peace having made peace through the blood of his cross i made through the blood of his cross next and you you who once was alienated and enemies in your mind you once you are enemy in your mind alienated from god by wicked works by wicked works yet now but now he has reconciled he has reconciled us in the body of his flesh body of his flesh through death through death and blameless through death through death to present you holy present you holy and blameless blameless and above reproach in his sight above reproach in his sight देखिए यह वचन इस तरह कहता है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है My and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों Have you this word? क्या आप इस वचन को समझ चुके हैं? You are away from God. आप तो परमेश्वर से दूर थे By wicked works, दुष्ट के कामों के द्वारा. We were enemy of God. हम तो परमेश्वर के शत्रु थे. But लेकिन. Jesus Christ. यीशु मसीह ने. Through the body of His flesh, through death. अपने शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा. Body of His flesh, death. बॉडी फ्लश यानी उसकी जो देह है उसकी मृत्यु के द्वारा उसने अपना लहू बहाया और मृत्यु पाई डेट उसने क्या किया परमेश्वर के सामने उपस्थित किया है उसने आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित किया, किया Holy, पवित्र बनाकर Unblamable, निर्दोष बनाया Unpunishable, और निष्कलंक ठहराया डू यू नो दिस आप ये जानते हैं आप पवित्र हैं आप पवित्र हैं निर्दोष हैं, अनपिशेबल आपको दंड नहीं दिया जा जाता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपको उपस्थित किया गया है थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ हिस बॉडी फ्लैश बॉडी थ्रू डेथ उसके शरीर के द्वारा यानी उसकी मृत्यु के द्वारा ये सब कुछ हो सका है Do you know this? कि आप ये जानते हैं टू मेक होली आपको पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह ने पहले से दाम चुका दिया है और वो तो एक देह है उसने आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने पवित्र करके उपस्थित किया है That means, इसका मतलब हैल से well आप अभी अच्छे से कह सकते आई एम होली मैं पवित्र हूँ आई एम होली मैं पवित्र हूँ नॉट बिकॉज ऑफ वॉट आई डिड मैंने जो किया उन कामों के कारण नहीं नॉट वॉट आई डिड मैंने जो किया उसके कारण नहीं नॉट वॉट माई वर्क मेरे कामों के द्वारा नहीं बिकॉज ऑफ जीज बॉडी लेकिन यीशु की देह के कारण बिकॉज ऑफ इस फ्लश उसकी देह के कारण ही That's why says, you are a holy nation. और जैसे कि पत्रस कहता है कि तुम पवित्र प्रजा हो. यू आर होली नेशन तुम पवित्र प्रजा हो. यू कैन से बोल्डली आप बड़े साहस से कह सकते हैं। मैं पवित्र प्रजा हूँ आई एम होली मैं पवित्र फादर इज होली मेरे पिता पवित्र हैं. आई एम होली मैं पवित्र हूँ हाउ कैसे बाइबल ऐसी बाइबल कहती है स्टैंड ऑन दिस फेथ stand on this truth और इस सत्य पर खड़े रहिए और इस विश्वास पर खड़े रहिए stand on this faith इस विश्वास पर खड़े रहिए tell the enemy शत्रु से कहिए hey devil हे hey शैतान he is roaming around he is moving around like a roaring lion जो कि गरजने वाले सिंह की नाई यहाँ वहाँ घूमते फिरता है to devour the people कि लोगों को वो फाड़ to खाए to destroy the people कि लोगों को वो नाश कर दे टिंग लाइफ वो झूठ बोलता है hey, you are कहता है तुम तो अपवित्र होल तुम पवित्र नहीं हो योर तुम तो पापी हो रो हेमा उसे बाहर फेंक दीजिए मार उसे लात मार के निकालिए और विश्वास में स्थिर खड़े रहिए So परमेश्वर कहते हैं कि तुम उसका सामना करो। विश्वास में खड़े रहकर उसका सामना करते चले जाए कि आपको मोल लिया गया है आप तो खुद उसकी निज प्रजा हैं आप उसके छुड़ाए हुए लोग हैं सुनिए You are a royal priesthood. आप राजपदधारी याजक हैं। Say, I am a royal. कहिए मैं राजपदधारी हूँ आई एम chosen जनरेशन मैं तो वो चुना हुआ वंश हूँ होली नेशन मैं तो पवित्र प्रजा हूँ पीपल मैं उसके मोल लिए हुए यानी मैं उसकी निज प्रजा हूँ

God's own purchased purchase special, special people special people that you may set forth. Okay, you see that what the is the wonderful like that? deeds? You see what is that? देखिए ये क्या कहता है? हाँ. पर तुम्हें चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग यानी विशेष लोग हो और परमेश्वर की नीज प्रजा हो यानी हम उसके विशेष रूप में छुड़ाए हुए लोग हैं इसी वॉडी से देखिए ये क्या कहता है कि परमेश्वर के अपने विशेष मोल लिए गए लोग हैं हम उसके विशेष लोग see, हैं। देखिए परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। स्पेशल पीपल आप तो परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए उसके विशेष लोग हैं। स्पेशल परमेश्वर के अपने विशेष लोग हैं आप उसकी नीज प्रजा हैं। He gave himself as उसने अपने आप को दे दिया आपको मोल लेने He के लिए उसने आपको मोल लिया यू आर स्पेशल टू गॉड आप परमेश्वर के लिए विशेष बिफोर क्या कोई खड़े रह सकता है आपके Touch सामने you. क्या कोई आपके सामने खड़े रहकर आपको छू सकता है क्या आपके विरुद्ध में कोई आ सकता है

इन फे स्टैंड फेस्ट इन फे विश्वास में दृढ़ खड़े रहो स्थिर खड़े उसका सामना करो वो tell him that i am the purchased possession of god I am special to God, my heavenly Father. आप कहिए कि मैं परमेश्वर का विशेष व्यक्ति हूँ मैं उसकी निज प्रजा हूँ और मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लिए उसका विशेष व्यक्ति हूँ मैं उसकी विशेष प्रजा हूँ आई एम here। मैं यहाँ पर रहता हूँ मैं संसार में हूँ ताकि मैं उसके स्तुति की घोषणा करते जाऊँ मैं उसकी घोषणा कर ताकि मैं उसकी की घोषणा करते चले light. उसने मुझे अंधकार में से अपनी अद्भुत और महान अगम्य ज्योति में बुलाया है you can tell this roaring lion, the devil. आप इस गरजने वाले सिंह शैतान से ये सब कुछ कह सकते हैं You devil. सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने मुझे अंधकार में से निकाल कर अपने महिमा में ज्योति में रखा है मुझे उस महान ज्योति में रखा है परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ से छुड़ाकर ज्योति में रखा है मैं केवल परमेश्वर की के स्तुति करूंगा केवल उसी की आराधना करूंगा और मैं उसके लिए जीऊंगा ये पूरा जीवन तो केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए ही है That is a decision. ये तो एक निर्णय है That's a fight. ये तो एक युद्ध है सफाई so विश्वास का युद्ध है नो यू आर नॉट आप जान लीजिए कि आप साधारण नहीं Beloved, no. मेरे जान करते Father, हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपकी स्तुति करता हूँ आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए स्पेशल बिफोर यूर फादर हम आपके सामने बहुत ही विशेष हे पिता

अपने आप को दे दिया और आपने मुझे मोल ले लिया है प्रभु जी एवरी वन हमें हर एक को आशीष दीजिए हम आपका धन्यवाद करते हैं नो पावर ऑन अवे फ्रॉम इस संसार की कोई भी सामर्थ्य हमें आपके हाथ से छीन कर निकाल नहीं सकती है आप हमेशा विजयी होते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु जीसस आपसे प्रेम करते हैं यीशु लिव फॉर यू हम आपके लिए जिए And your glory. और आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं Amen. Amen.